नमस्कार, मैं हूँ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सारगर्भित रिविजन। कोरोना की पहली नेजल वैक्सीन को मंजूरी देने के 4 दिन बाद केंद्र सरकार ने इसकी कीमत तय कर दी है। भारत बायोटेक की यह वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में 325 रुपए में लगवाई जा सकेगी, वहीं प्राइवेट अस्पतालों में इसके लिए 800 रुपए चुकाने होंगे। यह वैक्सीन जनवरी के आखिरी हफ्ते से उपलब्ध हो जाएगी। केंद्र ने दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन को 23 दिसंबर को मंजूरी दी थी। कोवैक्सीन बनाने वाले हैदराबाद की भारत बायोटेक ने इसे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर बनाया है। नाक से ली जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव होगा, इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाए। बता दे, हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने मंगलवार को 70 पेंजों का फैसला सुनाया। ओबीसी के लिए आरक्षित अब सभी सीटें जनरल मानी जाएंगी। हाईकोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश भी दिया है। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान जारी कर कहा कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय चुनाव के लिए आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों का आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके बाद ही निकाय चुनाव सम्पन्न कराया जाएगा। कर्नाटक महाराष्ट्र जमीन विवाद को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र विधानसभा में दोनों राज्यों के बीच की विवादित जमीन को महाराष्ट्र में मिलाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें 865 गांव आते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में यह प्रस्ताव बिना विरोध पारित हो गया। महाराष्ट्र ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि विवादित इलाके में 865 मराठी भाषी गांव हैं और इनकी एक एक इंच जमीन महाराष्ट्र में मिला दी जाएगी। ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो भी करने की जरूरत होगी वो महाराष्ट्र सरकार करेगी। इस गांव में बेलगाम, कारावार, बिदार, निपणी, भलकी शामिल है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी भारत राष्ट्र समिति को झटका लगा है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सोमवार को विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया। अदालत ने मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल को भी भंग कर दिया है। दरअसल तेलंगाना सरकार की ओर से दावा किया गया था कि बीआरएस के कई विधायकों को पार्टी छोड़ने और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क किया गया था। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए बीआरएस के सोशल मीडिया संयोजक कृषांक ने ट्वीट किया कि हाईकोर्ट का आदेश हाइडिंग माउस के लिए राहत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन इसकी गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। पुलिस ने उनकी मौत को आत्महत्या बताकर केस बंद कर दिया था, लेकिन उनके फैंस इस बात पर अड़े रहे कि उनका मर्डर हुआ है। अब इस मामले में एक नई बात सामने आ रही है। कूपर अस्पताल में सुशांत के पोस्टमार्टम के वक्त वहां मौजूद अटापसी स्टाफ में शामिल रूप कुमार शाह ने दावा किया है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उनका मर्डर हुआ है। उन्होंने कहा कि जब सुशांत की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया तो उनकी गर्दन और शरीर के कुछ हिस्सों पर चोट के निशान थे। मैंने इस बारे में अपने सीनियर से बात करनी चाही पर उन्होंने मुझे कहा कि इस बारे में बाद में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक कश्मीरी छात्र ने कुछ अज्ञात बदमाशों पर घातक हमला करने का आरोप लगाया है। छात्र ने कहा कि कैंपस में उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि अतिरिक्त जिला अधिकारी मीनू राणा ने कहा कि इस संबंध में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। उनकी असुरक्षा की समस्या का समाधान खोजा जाएगा। मैं 25 दिसंबर की रात 24 और 25 की रात 2 बजे मैं अपने रूम पे लाइब्रेरी से आके सोने जा रहा था तो बाहर बैडमिंटन कोर्ट और रेजिडेंशियल हॉस्टल है हमारा, वहाँ हमें रिहाइश दी गई है, आप वहाँ उस रूम में रहिए। तो हमें उसमें बाहर बहुत सारे पता नहीं कौन लोग खेल रहे थे तो वो बहुत शोर कर रहे थे, गाली गलौज। तो मैं उनको एक बार रिक्वेस्ट किया कि भाई अब चले जाइए, कल आइए, तो नहीं गए। दूसरी बार भी मैंने बोला कि भाई चले जाइए, तो वहाँ से वो मुझे गाली देने लगे और मेरे ऊपर अटैक किया, जानलेवा हमला किया। तो मैं जैसे तैसे बहुत पीटा मुझे, जैसे तैसे पूरी वहाँ पे हॉस्टल के रहने वाले वो सब देख रहे थे, कोई मुझे बचाने नहीं आया। वो जैसे तैसे मैं वहाँ से उठ के ज़मीन से
पूरा मैं अपने रूम पे चला गया भाग के अपनी जान बचाने के लिए। तो वो लोग इतनी देर में 100 लोगों को इकट्ठा करके कॉल वॉल करके अपने लोगों को गुंडे थे वो बिल्कुल कट्टे तमंचे लेके चाकू छुरी लेके मेरे रूम पे अटैक किया और गेट तोड़ने लगे। बाहर नेट का गेट लगा हुआ है, फिर वुडन वो भी तोड़ने लगे। फिर मेरे रूम में और दो लड़के थे मेरे साथ, तो हम लोगों ने फिर टेबल स्टडी टेबल सटा के दरवाजे में हमने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। कश्मीरी शिकायतों को थोड़ा सा कहीं असुरक्षा के लिए ये व्यक्त कर रहे थे, असुरक्षा का भाव आ गया है क्योंकि बच्चों में कुछ घटना हुई है परसों, तो उसको लेकर इनसे वार्ता की गई है, उसमें प्रॉक्टर से भी वार्ता की गई है और कल इनकी बातचीत कराई जाएगी और ताकि इनमें कोई असुरक्षा का भाव ना रहे और इस तरह का कोई माहौल ना रहे, सभी के लिए समान रूप से सुरक्षा यहाँ पर उपलब्ध है। मैम, जानलेवा हमला हुआ है छात्र के ऊपर? बच्चों की अभी तक जो घटना समझ में आई है, खेल को लेकर कोई कुछ विरोध किया गया था कि मत खेलिए, तो उसमें आपसी विवाद हुआ है, कोई जानलेवा हमला जैसी अभी घटना, चूँकि मेरी प्रॉक्टर से भी बात हुई है, कोई कंप्लेन उनके पास भी नहीं आई है, थाने में भी कोई कंप्लेन प्राप्त नहीं हुई है। कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ बातचीत करने वालों से आईबी पूछताछ कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि जांच एजेंसी आईबी यात्रा में शामिल हुए लोगों से राहुल गांधी को सौंपे गए ज्ञापन की प्रति मांग रही है। हमारे कैंपसाइट में दो दिन पहले एक कंटेनर के अंदर दो इंटेलिजेंस के अफसर हरियाणा सरकार के वो पाए गए, किसी ने देखा उनको तो उनको पकड़ा, पूछा क्या कर रहे हो कंटेनर में, वो कह रहे हम टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंपसाइट में टॉयलेटों की कमी नहीं है, पर वही कंटेनर में जाना, मैं समझता हूं ये जानबूझकर किया गया था। और हमने सोना पुलिस स्टेशन में शिकायत भी की, उसकी कॉपी आज सुबह मैंने ट्वीट किया है, वैभव वालिया जिसने शिकायत की भारत यात्रियों के ओर से, उन्होंने वो ट्वीट किया है, आपको सब उपलब्ध है, ये शिकायत की है हमने। और अनौपचारिक तौर से हमें कहा गया कि ये हरियाणा सरकार के इंटेलिजेंस अफसर हैं। फ्लिपकार्ट ऑफिस में हुए लूटकांड का मोतीहारी पुलिस ने लूट के महज 4 घंटे के अंदर लूटकांड का खुलासा कर लिया है। लूट के पैसे के साथ लूट में शामिल 2 लुटेरों को 4 पिस्तौल, 1 देशी कट्टा और टियागो गाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि नगर थाना क्षेत्र से फ्लिपकार्ट ऑफिस में रविवार को देर शाम फिल्मी अंदाज में घुसकर 2 बाइक पर सवार 5 अपराधियों ने 5,79,898 रुपए लूट कर फरार हो गए थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में बिरयानी को लेकर हुए झगड़े के बाद पुलिस केस किया गया है। युवक की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि होटल में खाना खाने गए युवक ने वेज बिरयानी का ऑर्डर किया था, मगर उसे चिकन बिरयानी परोस दी गई। युवक ने ध्यान से देखा तो बिरयानी में हड्डी दिखी, इस बात पर उसके होश उड़ गए। गलत ऑर्डर देने पर युवक ने होटल में जमकर हंगामा मचाया और विजयनगर थाने में भमोरी इलाके में बने अल्बा बैरिस्टो होटल के मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। मैं अल्बा में आया था अभी यहाँ पे लंच करने के लिए और मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने आज तक अंडे भी नहीं खाए। मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था वेज बिरयानी और उसमें हड्डी निकली है, और जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मुझसे बोला कि सॉरी बाय मिस्टेक हो गया है, हमने जानबूझ के नहीं किया है, और इन्होंने उसके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया। और मैं तब से इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये लोग मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं, और इन लोगों का बिहेवियर जो है बस ये लोग सॉरी 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 कर रहे हैं, बाकी इन लोग ने अभी तक उसके खिलाफ कुछ एक्शन भी नहीं लिया है। विजयनगर थाना क्षेत्र में अल्बा बैरिस्टो होटल की घटना है जिसमें फरियादी हैं, उनका कहना है कि उन्होंने वेज आइटम ऑर्डर किया था लेकिन नॉनवेज आ गया जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, वो नॉनवेज नहीं खाते हैं जबकि उनके थाली में परोसा गया। तो इस घटना को संज्ञान में लेते हुए संबंधित वैधानिक कार्रवाई विजयनगर थाने में की गई है और मामले का और परीक्षण किया जाएगा, जो भी जांच में तथ्य आएंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के चर्चित बयान को चटुकारिता की पराकाष्ठा बताया है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मुरादाबाद में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करते हुए कहा कि भगवान राम की खड़ाऊ दूर तक जाती है। उत्तर प्रदेश में
खड़ाऊ पहुंच गई है तो विश्वास है कि राम जी भी पहुंचेंगे। कुर्सी जी, नर की तुलना नारायण से करना ये कोई भी अच्छा नहीं मानेगा, कोई भी उचित नहीं मानेगा। चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, लेकिन इस चाटुकारिता से आप दूसरों को आहत कर रहे हैं। कहां 10 जनपद का रहने वाले राहुल जी, और कहां अपने पिता के आदेश पर 14 वर्ष तक वन वन घूमने वाले वनवासी राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए वन में जाने के बाद से, कहां उन्होंने भालुओं और बानरों की सेना को लेकर राष्ट्र का वंदन किया और लंका को नेस्त नाबूद किया, और कहां सरहद पर जो हमारे जवान हैं उन जवानों का अपमान की भाषा बोलने वाले को आप नारायण से तुलना कर रहे हो। ये जवानों के साथ भी उनकी भावना को आहत करने वाला है। अभी के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।